हेलो बच्चों, लेट्स रीड दिस क्वेश्चन। द क्वेश्चन सेज ए रे पासिंग थ्रू और डायरेक्टेड टुवर्ड्स सेंटर ऑफ कर्वेचर ऑफ ए स्फेरिकल मिरर इज रिफ्लेक्टेड सच दैट इट ट्रेस बैक ऑफ इट्स पाथ बिकॉज ऑप्शन फर्स्ट इज इट डज नॉट फॉलो लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन, सेकेंड इज एंगल ऑफ इंसिडेंस इज 0 डिग्री, थर्ड इज सेंटर ऑफ कर्वेचर इज मिडवे बिटवीन ऑब्जेक्ट एंड पोल, फोर्थ ऑप्शन इज डिस्टेंस ऑफ सेंटर ऑफ कर्वेचर फ्रॉम फोकस इज इक्वल टू इट्स डिस्टेंस फ्रॉम पोल। तो इस क्वेश्चन के अंदर हमसे बोला गया है कि एक रे जो पास करती है सेंटर ऑफ कर्वेचर को, वो रिफ्लेक्शन आफ्टर रिफ्लेक्शन फ्रॉम स्फेरिकल मिरर वापस अपने पाथ पे चली जाती है, ऐसा किस कारण से होता है। तो यदि बात की जाए की कंसेप्ट की, तो की कंसेप्ट इस क्वेश्चन के लिए क्या हो जाएगा, की कंसेप्ट की बात करते हैं। की कंसेप्ट हमारे पास होगा फॉर रिफ्लेक्शन, रिफ्लेक्शन के लिए क्या होता है एंगल ऑफ इंसिडेंस, एंगल ऑफ इंसिडेंस इज इक्वल टू एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन, एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन यानी कि रिफ्लेक्शन की कंडीशन के अंदर जो इंसिडेंस एंगल होता है वो रिफ्लेक्शन एंगल के इक्वल होता है। ये हमारे पास है की कंसेप्ट, इस की कंसेप्ट की हेल्प से हम लोग इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। अब यदि बात की जाए सॉल्यूशन की, तो सॉल्यूशन हमारे पास क्या होगा, हमें दिया है कि एक स्फेरिकल मिरर है, यदि मैं यहां पे बनाना चाहूं एक स्फेरिकल मिरर एंड ये इसकी क्या है प्रिंसिपल एक्सिस, ये इसकी प्रिंसिपल एक्सिस है एंड ये हमारे पास क्या है स्फेरिकल मिरर है, ये हमारे पास स्फेरिकल मिरर है, इसके ऊपर रे ऑफ लाइट इंसिडेंट होती है जो कि इसके सेंटर ऑफ कर्वेचर से पास होगी। मैं अज्यूम करता हूं एक एक रे ऑफ लाइट इंसिडेंट होती है कुछ इस तरह से, कुछ इस तरह से एक सेंटर ऑफ कर्वेचर से जाती हुई एक रे इंसिडेंट होती है, ये इसका क्या है सेंटर ऑफ कर्वेचर एंड वापस रिफ्लेक्ट हो जाती है कुछ इस तरह से। तो हमारे पास अकॉर्डिंग टू की कंसेप्ट जो एंगल ऑफ इंसिडेंस आई होगा, इसकी वैल्यू किसके इक्वल होगी, आर के इक्वल, एंड जो हमारे पास इस कंडीशन के अंदर जो आर है, आर की वैल्यू हमारे पास क्या है 0 है, क्यों, क्योंकि रे उसी पाथ पे जा रही है, इसने कोई भी चेंज किया ही नहीं है यानी कि कोई भी एंगल जनरेट नहीं किया इसने नॉर्मल के साथ, तो आर की वैल्यू हमारे पास क्या है 0। तो R की वैल्यू 0 है तो हमारे पास इंसिडेंस एंगल की वैल्यू भी कितनी हो जाएगी 0 हो जाती, 0 हो जाएगी, क्योंकि जो I की वैल्यू होती है वो रिफ्लेक्शन एंगल R के इक्वल होती है। तो हमारा जो इस क्वेश्चन के लिए आंसर हो जाएगा, ऑप्शंस की बात की जाए तो ऑप्शन बी एंगल ऑफ इंसिडेंस इज 0, सो ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। आई होप यू अंडरस्टूड इट वेल, बेस्ट ऑफ लक, थैंक यू।